हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एके पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द वीडियो लिंक शीट ऑफ फुल कोर्स ऑफ क्लास 12 आईपी। पूरा कोर्स क्लास 12 का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का ये वीडियो लिंक शीट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उस शीट के थ्रू इंस्टेंटली जिस वीडियो पर जा करके एक्सेस करना चाहें, देखना चाहें, व्यू करना चाहें, कर सकते हैं। तो ये लिंक शीट में, वीडियो की लिंक शीट में क्या क्या है, कौन कौन सी वीडियोस हैं, उसकी थोड़ी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। एक पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड होगी, उस पीडीएफ फाइल में सभी वीडियोस के लिंक होंगे और उनका डिस्क्रिप्शन वहां पर लिखा हुआ है, कौन सी वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो आइए हम लोग लिंक शीट देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। उसमें पहला वीडियो का लिंक, ये चैनल लिंक दिया गया, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। इस चैनल पर आपको जा करके, मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक चैनल पर जाने के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अलाउ। तो ये आप डायरेक्ट जो है इस चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से जा करके आप चैनल में सब्सक्राइब बटन यहाँ से क्लिक कर सकेंगे। और क्लिक करने के साथ साथ आपको सब बेल आइकॉन भी दबा देना है, राइट। तो ये रहा, और उसके बाद फिर रिवाइज्ड करिकुलम आपको देखना है, तो रिवाइज्ड करिकुलम के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, रिवाइज्ड करिकुलम आपको ये सामने आ जाएगा, ठीक है। दैट हैज बीन डिस्कस्ड कि आपका जो रिवाइज्ड करिकुलम क्या है, इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर उसका लिंक भी दिया गया है। सिमिलरली किसी भी वीडियो के लिंक पर आप ये प्रेस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यू आर गोइंग टू व्यू दैट वीडियो। यहाँ पर ये डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास फर्स्ट एंड सेकेंड, इसकी मिक्स्ड वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे सीरीज पार्ट वन, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पैंडास, सीरीज क्रिएशन। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, पाइथन कैसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, इसका भी आपको यहाँ पर एक वीडियो में लिंक दिया गया है, टेक्निकल में पाइथन डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप, MySQL डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप। तो ये दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये 13 वीडियोज़ हैं जिसमें पैंडास फर्स्ट और सेकेंड कवर किया गया है, सबके टॉपिक हैं किसमें किसमें क्या है। इसके बाद एक्सरसाइजेस दी हैं पैंडास फर्स्ट पर, ये क्वेश्चन बेस्ड हैं सारी चीज़ें, नया कॉलम ऐड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम के, एनसीईआरटी बेस्ड कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिकल वाइवा में कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर डेटा फ्रेम में 7 मेथड डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, एट्रीब्यूट्स डेटा फ्रेम के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन CBSE ने रिलीज़ किया था, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन पार्ट्स में आपको दिया गया है। स्लाइसिंग ILOC और LOC का इस्तेमाल करके पैंडास में डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग करने के लिए, और बहुत सारी वीडियो इसमें जुड़ती रहेंगी आने वाले टाइम में। तो लेकिन ये कोर्स आपका यहाँ पर पूरा है, कोई उसमें कमी नहीं है, और इन्हीं कोर्सेज में से कुछ एक्सरसाइजेस आपके लिए इजी करके और कुछ वीडियोस बनते रहेंगे टाइम टाइम पर, करंट टॉपिक से लेकर के, पेपर है आपका, बोर्ड का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, ऑल दिस। अगला चैप्टर आपका है डेटा विजुलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब, इससे रिलेटेड ये 11 वीडियोस हैं। डेटा विजुलाइजेशन लाइन चार्ट है, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ये सारी वीडियोज आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। वाइवा क्वेश्चन डेटा विजुलाइजेशन से कैसे पूछा जाता है, ये 11th नंबर पर वीडियो है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। अब आती है बात डेटाबेस क्वेरी एंड SQL की, यूजिंग SQL यानी MySQL की बात की जा रही है, जो आपका DBMS है आपके सिलेबस में, क्लास 11, 12 IP एंड CS। ज़्यादातर ये कॉमन
चैप्टर्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं। ये सीएस कंप्यूटर साइंस में भी है और आईपी में भी है। 11th से शुरू होता है और 12th तक ये कंप्लीट होता है। तो आप 11th में कितना सिलेबस है उसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 12th में कितना है उसको शॉर्ट आउट करके स्टडी कर सकते हैं। 12th में आपका कंप्लीट होता है। तो एज़ पर योर सिलेबस आप सिलेबस रेफ़र कर सकते हैं, क्लास 11th में कितना है, 12th में कितना है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं इन वीडियोस को, एज वेल एज सीएस के स्टूडेंट्स भी इसे रेफर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं स्केल पर दी हुई, इंपॉर्टेंट एसक्यूएल एक्सरसाइजेस फॉर बोर्ड। प्रैक्टिकल वाइवा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, इसमें बहुत कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज, दे आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी कम टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये चैप्टर पर 7 वीडियोज आपको दी जा रही हैं। इसमें आपको ये 7 पार्ट्स में, ये 1, 2, 3 पार्ट इसके इंटरनेट बेसिक्स पर 4 पार्ट बनाए गए हैं, इसमें कंप्लीट किया जा रहा है। 7 वीडियोज में ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली सोसाइटल इम्पैक्ट आपका 6 वीडियोज में कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, बोर्ड सैम्पल पेपर ऑफ सॉल्यूशन 2020-21 से रिलेटेड, सीबीएसई पेपर 2021 से, माई सैम्पल पेपर, ये मेरा सैम्पल पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में ये सैम्पल पेपर वन आई हैव फ्रेम्ड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई स्ट्रिक्टली, माई सैम्पल पेपर टू, और ये पूरा सैम्पल पेपर एक ही वीडियो में है, माई सैम्पल पेपर 3 पार्ट ए पार्ट बी 2 वीडियोज़ में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड 3, और ये 3 वीडियोज़ में आपका सैम्पल पेपर 2 जो मैंने बनाया है वो कवर किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस पैंडाज में क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपके बोर्ड पेपर में, तो उस पर बेस्ड ये 2 वीडियोज़ आपको दी जा रही हैं। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन बोर्ड में आता है नेटवर्किंग बेस्ड, उसका यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया गया है। तो इस तरह से आप बोर्ड के सैंपल पेपर का पैटर्न सीख सकते हैं, किस पैटर्न में आता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, COVID-19 पैंडमिक एनालिसिस सिस्टम, ओलंपिक गेम्स मेडल एनालिसिस सिस्टम, लिटरेसी रेट एनालिसिस ऑफ इंडिया, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम सीएस स्टूडेंट्स के लिए। ये 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा जब बोर्ड प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है इन द ग्रुप ऑफ 2-3 स्टूडेंट्स। तो वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाएगा, उसका क्या गाइडलाइंस है, क्या बेस है, तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दीज प्रोजेक्ट्स। तो ये COVID-19 पहला प्रोजेक्ट है जिसमें आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल से बोर्ड प्रैक्टिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई है। कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल आपकी ये दी गई है, इसमें आप और प्रैक्टिकल ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल वॉज क्रिएटेड एज पर द सिलेबस ऑफ 2020-21। 21-22 से रिलेटेड मैं एक और फाइल बना करके आपको दूंगा। फिलहाल इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही बोर्ड के आपकी प्रैक्टिकल फाइल में यही क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने हैं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस का इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाई योर सब्जेक्ट टीचर। प्रैक्टिकल सैंपल पेपर जब कैसे प्रैक्टिकल होगा उसका सैंपल पेपर यहाँ पर दिया गया, उसे सॉल्व करके दिखाया गया, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रैक्टिकल ऑफ द एवर प्रैक्टिकल फाइल, इन सभी प्रैक्टिकल फाइल में जो मैंने इस फर्स्ट वाले में प्रैक्टिकल फाइल में जितने भी प्रैक्टिकल हमने किए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में इंडिविजुअल प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल सैंपल पेपर 3, 4 इस तरह से, 4A, 4B सैंपल पेपर 5। प्रैक्टिकल कैसे होता है आपका बोर्ड में, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इन प्रैक्टिकल सैंपल पेपर से आप सीख सकते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट पैंडास क्वेश्चंस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट एसक्यूएल क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। सो
प्रैक्टिकल रिलेटेड सारी गाइडलाइंस आपको इन 10 वीडियोस में दी जा रही है। इतना कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकल वाइवा भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको सिस्टम के ऊपर जो भी आप प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसे आसानी से कर सकेंगे। तो ये 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एंड हाउ यू विल परफॉर्म प्रैक्टिकल इन द कंप्यूटर लैब ड्यूरिंग योर बोर्ड प्रैक्टिकल, ऑल दीज थिंग्स आर गिवेन ओवर हियर। 2 मोटिवेशनल वीडियोज आपको मिल रहे हैं, कैसे आप 100 नंबर इंफॉर्मेटिव्स प्रैक्टिस में लाएँ। टिप्स एंड गाइडलाइंस फॉर अटेम्प्टिंग बोर्ड पेपर विद ऑल द बेस्ट। तो इन शुभकामनाओं के साथ आपको क्या क्या गाइडलाइंस हैं, बोर्ड का पेपर 40 क्वेश्चन होते हैं, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्वेश्चन वाइज यहाँ पर डिस्कशन, आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं। टेक्निकल में मैंने बता दिया ये 2 वीडियोस हैं। इसके बाद बस दैट्स इट, और आपका 12th IP का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इससे संबंधित और आपको गाइडलाइंस और वीडियोस, समय समय पर नई वीडियोस आती रहेंगी, चीज़ों को सिंपलीफाई करके, क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करके, कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए टूल्स और टिप्स के साथ, तमाम वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। चैनल पर आप बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये चैनल का लिंक है हमारा, इस पर आप क्लिक करेंगे, चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना साथ के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, इस लिंक शीट को, तो बहुत आसानी होगी उन्हें इसे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से कि आप 12th क्लास अच्छी तरह से स्टार्ट करें और अच्छी तरह से कंप्लीट करें, और 90s में मार्क्स आएंगे आपको अगर आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो कोई 90s में 95, 96 जाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है, बशर्ते कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़ें और देखें। कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और इसे मैक्सिमम शेयर और लाइक्स आने चाहिए, और इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें, सो दैट जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं आपके पास पहुंच सकें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके 12th क्लास में आने की, और आप चालू कीजिए कोर्स, बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।